हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल ग्लास फिक्सिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में वन प्लस नोट सी ई 5G का ब्रोकन ग्लास रिप्लेसमेंट में करके आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसका टच वगैरह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छी तरह हीट करने के बाद ओसी सीट की वेस्ट पन्नी की सहायता से मैं डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो ग्लास चेंज करने में डिस्प्ले का रिस्क भी मेरा ही है। डिस्प्ले को हल्का सा ऊपर उठाकर ओसी सीट की वेस्ट पन्ने की सहायता से आप भी इस तरीके से डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अपना डिस्प्ले फ्रेम से बाहर अब निकल चुका है। तो मेरी शॉप जयपुर राजस्थान रायसर प्लाजा में है, जो जयपुर का सबसे बड़ा मार्केट है। पैनल बाहर निकालने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। अच्छी तरह हीट करने के बाद ब्लेड की सहायता से पैनल को हल्का सा ऊपर उठाकर दोस्तों इस तरीके से आसानी से आप भी बैक पैनल को बाहर निकाल सकते हैं। फ्लेक्सो लिक्विड की सहायता से मैं पैनल को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, फ्लेक्सो लिक्विड और ओसी सीट की वेस्ट पन्नी की सहायता से मैं पैनल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी आसानी से पैनल को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको भी मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग करवाना है, तो दोस्तों मेरी शॉप जयपुर राजस्थान रायसर प्लाजा में है। डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस और मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अपना बैक पैनल अब बाहर निकल चुका है। तो ये टेप लगाने का मकसद ये है कि सेपरेटर मशीन पे डिस्प्ले अपना आसानी से चिपक जाए। कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, उसी सीट की वेस्ट पन्नी जो मैं डिस्प्ले में डाल रहा हूँ, जो ये वाइट जो ये ग्लू दिख रहा है, इसका मतलब कि अपनी पन्नी फिल्म में नहीं गया है। तो अगर इस तरीके से अगर आप ग्लास चेंज करेंगे, तो आपका फिल्म कभी भी नहीं कटने वाला है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी पंचिंग इतनी शानदार हुई कि बबल लीवर में डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं एज ग्लास का डिस्प्ले को फ्रेम से बाहर निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। नो थैंक यू भैया, लाइक फॉलो सब्सक्राइब।